किसका कचूमर यहाँ पे बन जाता है। तो भाई दोनों के बीच में काफी खतरनाक थी, टक्कर हो चुकी है अपनी ब्लैक कलर की यार ग्रीन कलर की हेलीकॉप्टर का टेल पूरी तरीके से टूट चुका है भाई। वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी, मेरा नाम है रैन। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में बोला था कि भाई हेलीकॉप्टर की अनबॉक्सिंग करने के लिए, यार मेरे पास तो देखो इतने ढेर सारे हेलीकॉप्टर्स पड़े हुए, मेरे पास तकरीबन 10 से 11 हेलीकॉप्टर्स हैं। तो भाई आज एक एक करके सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स मैं आपको अनबॉक्स करके बताऊंगा और चला के भी बताऊंगा। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये है वीमैक्स का हेलीकॉप्टर, इसका नंबर है HX713। इसको फटाफट से मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। इसके अंदर मिलता है भाई इस तरह का IR सेंसर वाला रिमोट। ये देखो गाइस, ये रहा ये हेलीकॉप्टर। यार बहुत ही ज्यादा छोटा सा हेलीकॉप्टर होता है पर ये बहुत ज्यादा ऊपर तक फ्लाई कर सकता है। ये भी एक वीमैक्स का ही हेलीकॉप्टर है, इसका नंबर होता है वीमैक्स HX708। ये थोड़ा सा बड़ा वाला हेलीकॉप्टर होता है, इसके अंदर भी सेम रिमोट अपने को देखने को मिलता है। और यहाँ पर है इसका हेलीकॉप्टर, ये देखो गाइस, अभी जो पहले मैंने हेलीकॉप्टर बताया था उसके मुकाबले में ये थोड़ा सा बड़ा होता है और बहुत ज्यादा ऊपर तक उड़ सकता है। ये जो हेलीकॉप्टर है सिर्फ आप इंडोर में ही उड़ा सकते हो। भाई ये जो हेलीकॉप्टर है सारे के सारे हेलीकॉप्टर का बाप है। इसका साइज देखो यार कितना ज्यादा बड़ा है, इसको मैंने 5000 रुपीज में खरीदा था। अगर आप भी इन सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, यहाँ पर आपको एक बैग दिखाई देगा। बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स का बाय लिंक आपको मिल जाएगा। ये देखो यार कितना ज्यादा बड़ा है हेलीकॉप्टर, इसका रिमोट भी मैं आपको दिखाता हूँ कितना ज्यादा बड़ा होता है। ये देखो यार इसका एंटीना देखो भाई कितना ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ा ही कमाल का हेलीकॉप्टर होता है। पर ये हेलीकॉप्टर के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं यार, अगर आप इसको बाहर उड़ाओगे तो सही से कंट्रोल नहीं हो पाता है। अभी अपना अगला वाला हेलीकॉप्टर है स्काई बोल्ट हेलीकॉप्टर, ये बहुत ही छुटकू सा हेलीकॉप्टर होता है, इसको भी अगर आप आउटडोर में उड़ाओगे तो भाई सही से ये उड़ता नहीं है, सिर्फ इंडोर के लिए ये हेलीकॉप्टर बना होता है। इसके अंदर एक छुटकू सा रिमोट मिल जाता है, ये रहा और ये है अपना हेलीकॉप्टर। आप चाहे तो इसको हैंड इंडक्शन से भी उड़ा सकते हो। अगला है फ्लायर्स बे हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है यार, क्योंकि इसको जो है आप आउटडोर में भी उड़ा सकते हो और इंडोर में भी उड़ा सकते हो। ये देखो यार इसको भाई मैंने बहुत भयंकर तरीके से टेस्ट किया था, ये बहुत ज्यादा ऊपर से गिरा था जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था। यहाँ से देखो भाई ये पूरी तरीके से टूट फूट चुका है पर अभी भी काफी सही तरीके से फ्लाई कर सकता है। इसका रिमोट मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और यहाँ पे देखो इतने ढेर सारे बटन्स मिलते हैं। ये भी IR सेंसर वाला रिमोट है, यहाँ पे लाइट्स आपको देखने को मिलेंगे, रिमोट की क्वालिटी बहुत मस्त होती है। अगला हेलीकॉप्टर है भाई, इसका नाम है 3-चैनल हाइड्रो हेलीकॉप्टर, इसके अंदर जायरो सेंसर भी लगा हुआ है। ये जो हेलीकॉप्टर की सबसे खास बात मैं आपको बताऊं तो ये जो हेलीकॉप्टर है ना भाई साहब पानी पर भी लैंड कर सकता है। ये देखो यार बहुत ही कमाल का हेलीकॉप्टर है, ये सिल्वर लिड की तरफ से आ जाता है। इसको मैंने शायद 3000 रुपीज में खरीदा था 4-5 साल पहले, अभी भी मेरे पास टिका हुआ है। ये देखो गाइस, ये देखो ये रहा इसका रिमोट। ये हेलीकॉप्टर पानी पर किस तरह से लैंड कर सकता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो यार ये पूरा का पूरा जो है स्टायरोफोम लगा हुआ है, इस वजह से ये हेलीकॉप्टर जैसे ही पानी पर उतरता है ये पूरी तरीके से तैरने लगता है। 3.5-चैनल का हेलीकॉप्टर है, पीछे का प्रोपेलर भी इसका सही तरीके से काम कर लेता है। अगला वाला हेलीकॉप्टर है स्काई ब्लेज हेलीकॉप्टर, ये भाई थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका भी प्राइस तकरीबन 500-600 रुपए होता है। ये देखो ये रहा, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती नहीं है यार। यहाँ पे है इसका रिमोट कंट्रोलर। लास्ट वाला हेलीकॉप्टर है हैंड इंडक्शन ड्रोन टाइप हेलीकॉप्टर, इसका डिजाइन मेरे को काफी ज्यादा मस्त लगता है यार। ये भी जो हेलीकॉप्टर है 550-600 रुपए में मिल जाएगा। यहाँ पर देखो यार इसका जो डिजाइन है ना भाई सामने की तरफ से पूरी तरीके से एक ड्रोन की तरह ही दिखाई देता है, बड़ा ही कमाल का डिजाइन है यार। तो दोस्तों चलो अभी अपन लोग चलते हैं बाहर भाई, इसके अंदर थोड़े से हेलीकॉप्टर मैं आपको फ्लाई भी करा के बताता हूँ और थोड़े हेलीकॉप्टर्स के बीच में फाइट भी करा के बताता हूँ भाई, देखते हैं कौन सा हेलीकॉप्टर जीता है। लेट्स गो दोस्तों। ओके तो दोस्तों यहाँ पर अपन टेस्ट करने वाले हैं दो हेलीकॉप्टर्स को, ग्रीन और ब्लैक, देखते हैं भाई किसकी स्टेबिलिटी काफी अच्छी दी गई है। तो यहाँ पर दोनों काफी ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। ब्लैक कलर की हेलीकॉप्टर के अंदर एक दिक्कत है भाई, इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये 2-चैनल हेलीकॉप्टर है। देखो भाई जाकर क्रैश हो गई है। अपनी ग्रीन कलर की हेलीकॉप्टर देखो यार क्या सुकून से, क्या मस्त, क्या जबरदस्त तरीके से उड़ रही है, इसको कंट्रोल करना इजी है, आप कहीं पर भी इसको काफी सही तरीके से उड़ा सकते। ब्लैक कलर की हेलीकॉप्टर देखो यार इस तरह से घूमने लगती है क्योंकि भाई इसका जो रिमोट है ना भाई एकदम घटिया किस्म का दिया हुआ है। यहाँ पे देखो यार आप इसको साइड बाय साइड ही चला सकते हो। इसकी जॉयस्टिक जो है ना भाई 2-वे जॉयस्टिक देखने को मिल जाती है अपनी। देखो भाई ग्रीन कलर की हेलीकॉप्टर का जॉयस्टिक जो है ना भाई काफी मस्त है, 4-वे जॉयस्टिक इसके अंदर अपने को मिल जाता है, इस वजह से इसका कंट्रोलिंग जो है काफी मस्त होता है।
अभी मैं आ चुका हूँ बाहर। अपनी ये जो ब्लैक कलर की हेलीकॉप्टर है इसको ऊपर उड़ा के देखते हैं भाई कितनी ऊपर तक ये जा सकती है। फुल ट्रिगर मैंने प्रेस कर दिया है भाई, खो भी सकती है हेलीकॉप्टर, मैं इसको इतनी ऊपर तक उड़ाने वाला हूँ। देखते हैं गाइस इसका सिग्नल कहाँ पर जाकर लॉस होता है। तो भाई बहुत ज्यादा ऊपर तो उड़ चुकी है भाई, 5-6 मंजिल ऊपर जा चुकी है। अभी इसका सिग्नल पूरी तरीके से लॉस हो चुका है। ओ माई गॉड, इतनी ऊपर से नीचे गिरने वाली है, ये गिरी गाइस धड़ाम से नीचे। अभी फ्लाई कराते हैं अपनी ग्रीन कलर की हेलीकॉप्टर को, देखते हैं भाई ब्लैक कलर की हेलीकॉप्टर से भी ज्यादा ये ऊपर जा सकती है या नहीं। भाई इसको तो मैंने उड़ा दिया है, सही से कंट्रोल तो हो रही है। अभी इसको थोड़ा सा दूर भेजते हैं यार, देखते हैं कहां तक जा पाएगी। यहां पे देख सकते हो गाइस दूर तो जा चुकी है पर ज्यादा ऊपर नहीं जा रही है भाई, ये गिर गई यार यहां पे। इसके अंदर भी एक दिक्कत है, इसके अंदर भी अपने को IR सेंसर वाला रिमोट देखने को मिलता है भाई, इसकी भी जो डिस्टेंस है बहुत कम होता है। अभी अपने पास एक और हेलीकॉप्टर है भाई, ये येलो कलर की 703 हेलीकॉप्टर है, इसको ऊपर उड़ाते हैं भाई, देखते हैं कितनी दूर तक ये जा पाती है। तो भाई ये जो हेलीकॉप्टर है काफी दूर तक तो जा रही है, यहाँ पर देखो भाई बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है, शायद ये भी इतनी ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरी। और भाई वहां पे देखो एक रॉकेट भी जा रहा है, ओ भाई ये भी नीचे गिर गई यार। दोस्तों अभी कराएंगे हेलीकॉप्टर्स के बीच में टग ऑफ वॉर, यार मैं पहली बार टग ऑफ वॉर करा रहा हूँ हेलीकॉप्टर्स के बीच में, देखते हैं भाई कौन जीतेगा, ग्रीन या फिर ब्लैक हेलीकॉप्टर। दोनों को यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है, अभी दोनों को ऊपर उड़ाते हैं भाई। यहाँ पे ब्लैक कलर की हेलीकॉप्टर तो पूरी कोशिश कर रही है इसको खींचने के लिए। अभी देखो यार ग्रीन कलर की हेलीकॉप्टर एकदम से फ्लाई कर दी है भाई, ये मेरे को बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही है भाई। 1 सेकंड के अंदर ही, 1 झटके के अंदर देखो यार इसने ब्लैक कलर की हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ खींच लिया है भाई, इसका मतलब यह कि ग्रीन कलर की हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। अभी कराने वाला हूं मैं वेट टेस्ट ग्रीन कलर के हेलीकॉप्टर के साथ में, मैंने बांध दी भाई एक लकड़ी, देखते हैं भाई इसको ये ऊपर उठा पाती है या नहीं। ये जो चीज है ना भाई अपने हेलीकॉप्टर के वजन बराबर जितनी है, तो भाई उठा तो रही है यार, यहाँ पे इसका थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता हुआ मेरे को लग रहा है। एक और बार अपन ट्राई करते हैं यार। तो भाई इसने देखो यार सेकंड ट्राई में भाई इतना ज्यादा वजन चीज को उठा लिया है, बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही है भाई मेरे को तो ये हेलीकॉप्टर। अभी सेम टेस्ट करते हैं अपनी ब्लैक कलर की हेलीकॉप्टर के साथ, देखते हैं भाई इतना वजन ये उठा पाती है या नहीं ऊपर की तरफ। मेरे को नहीं लगता गाइस ये उठाएगी, देखो यहां पर आकर ये रुक चुकी है। अभी ऊपर मैं इसको लेके जाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं पर ये ऊपर नहीं जा रही है, इसका मतलब ये है कि दोस्तों अपनी ग्रीन कलर की हेलीकॉप्टर ज्यादा वेट उठा सकती है। अभी कराएंगे दोस्तों टफनेस टेस्ट, दोनों को भाई आमने सामने मैं भिड़ाने वाला हूं, देखते हैं भाई किसका कचूमर यहां पे बन जाता है। तो भाई दोनों के बीच में काफी खतरनाक सी टक्कर हो चुकी है, अपनी ब्लैक कलर की हेलीकॉप्टर अभी भी उड़ रही है भाई, बहुत ज्यादा गजब की चीज लगी मेरे को यार। ग्रीन कलर की हेलीकॉप्टर का टेल पूरी तरीके से टूट चुका है भाई, टफनेस के मामले में अपनी ब्लैक कलर की हेलीकॉप्टर जीत चुकी है दोस्तों। अभी अपन टेस्ट करेंगे भाई अपने छुटकू से हेलीकॉप्टर को, पूरी तरीके से हैंड से भी कंट्रोल कर सकते हो, बड़ा मजा आता है इसको उड़ाने में, और आप इसको चाहे तो रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हो। ये जो हेलीकॉप्टर है ना भाई बहुत कम प्राइस में मिल जाएगी, तो काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल हो रही है, पर इसको आप आउटडोर में नहीं उड़ा सकते हो क्योंकि ये बहुत ज्यादा हल्की होती है। तो भाई इसका टेस्ट अपन करने वाले हैं रेड कलर की हेलीकॉप्टर के साथ, दोनों को एक साथ उड़ाते हैं, यहाँ पर देखते हैं भाई कौन काफी ज्यादा देर तक उड़ पाता है। यहाँ पे रेड कलर की हेलीकॉप्टर जीत चुकी है दोस्तों, टाइम की कमी के कारण मैं सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स तो फ्लाई नहीं करा पाया था, आने वाले दिनों में मैं पूरी कोशिश करूंगा बाकी जितने हेलीकॉप्टर्स बचे हैं उनके बीच में फाइट कराने के लिए। तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि आप अगर हेलीकॉप्टर्स खरीदना चाहते हो तो यार बिल्कुल भी मत खरीदना, क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और भाई उड़ने में भी इनको बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगती है। मेरा मानना यह है कि गाइस अगर आप खरीदना चाहते हो तो ड्रोन जरूर खरीदना यार, ड्रोन क्या है ज्यादा दिन तक आप लोग यूज कर सकते हो और उनको उड़ाना भी बहुत ज्यादा ईजी होता है। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट, सबसे पहला नाम आ जाता है अनिमेश कुमार, अनुज कुमार, संस्कार मेहता, नियामत, दीपक बरात, सुबीत दास, करण, तनुज, अर्पित, लक्ष्य व्यास। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए, बाय दोस्तों।